उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान बेरोजगार साथियों को विक्की खान का नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार इस समय TGT के रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो आज जो है उस बारे में भी बात की जाएगी आप लोगों के सामने। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे भाई, कि बहुत सारे चंदाजीवी गिरोहों ने TGT की परीक्षा को रद्द कराने की कोशिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि उस प्रयास की कोई सीमा नहीं थी कि नहीं TGT की परीक्षा को रद्द करा लिया जाए। लेकिन मेरे भाई, यकीन जानिए, प्रतियोगी मोर्चा ने हमेशा बेरोजगारों का साथ दिया है और विक्की खान का ये मानना है कि अधिकतम व्यक्तियों को एक नौकरी मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने लगातार प्रयास करके आज इस मुकाम पर TGT और PGT को पहुंचा दिया है कि उत्तर प्रदेश के 15,198 बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर होने जा रही है। दुनिया की कोई ताकत TGT परीक्षा को रद्द कराने की कवायद में अगर शामिल होगी तो हर बार की तरह इस बार भी उनको मुंह की खानी है। और आप यकीन जानिए, देखिएगा आने वाले समय में कि आपका TGT का रिजल्ट आने जा रहा है। मैं आप लोगों से यह बताने आया हूं, मेरे भाई, कि TGT का रिजल्ट अगले 2 दिनों के अंदर, संभवतः आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है। जो प्रतियोगी मोर्चा ने पिछली बार ज्ञापन दिया था और आदरणीय डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से मुलाकात की थी, उसमें जो बातें सामने आई थी, 10 तारीख तक प्रवक्ता के रिजल्ट को घोषित करने थे, जो बचे हुए प्रवक्ता के रिजल्ट थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि 8 अक्टूबर को ही प्रवक्ता के बचे हुए शेष 11 विषयों के रिजल्ट आ गए और 20 तारीख तक का वादा था कि TGT के रिजल्ट जो है घोषित हो जाएं, ताकि 12,603 बेरोजगारों को नौकरियां मिल सके, उनके घरों में चूल्हे जल सके, उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, उनके सपने पूरे हो सके, उनके माँ बाप के सपने पूरे हो सके, उनके घर वालों के सपने पूरे हो सके और जो है एक नई जिंदगी की शुरुआत 12,603 लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार कर सकें। इसी कवायद में प्रतियोगी मोर्चा लगातार प्रयास कर रहा था और उस प्रयास के द्वारा ही पूरी उम्मीद है कि आपका TGT का रिजल्ट आज और कल में आपके कदमों के नीचे होगा। आप लोगों को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। जिन भाइयों का TGT में चयन होने जा रहा है, चयन हो जाएगा, उनसे आग्रह है विनम्रता के साथ कि मेरे भाई, आपका अगर प्रवक्ता का भी इंटरव्यू हो तो प्रवक्ता में अगर चयन होता है तो TGT का सत्यापन न कराइएगा, ताकि किसी दूसरे बेरोजगार भाई जो निचले पायदान पे है उसको भी एक नौकरी मिल सके। क्योंकि प्रतियोगी मोर्चा की पहल पे पहली बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है 25% प्रतीक्षा सूची के साथ TGT का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नौजवान बेरोजगारों के लिए, प्रतियोगी मोर्चा के लिए और विक्की खान के लिए भी, क्योंकि विक्की खान का सपना है कि सभी बेरोजगारों को एक एक नौकरियां मिल सके, आपस में बांट के अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए।
तो मेरे भाई 25% प्रतीक्षा सूची के साथ TGT का रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। आप सभी लोग कमर कस लीजिए और मेरे भाई जो निचले पायदान पे हैं, जो प्रतीक्षा सूची में आएंगे, वो भी यकीन जाने प्रतियोगी मोर्चा 2016 की प्रतीक्षा सूची जो 10% है और 2021 की प्रतीक्षा सूची जो 25% निकलने जा रही है, इन दोनों प्रतीक्षा सूचियों को जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर दबाव बनवाकर जो है इनका विद्यालय आवंटन काउंसलिंग कराकर जो है कराया जाएगा, ताकि सबको जो है एक नौकरी मिल सके। इसमें किसी प्रकार का जिला विद्यालय निरीक्षक का हस्तक्षेप न हो, क्योंकि प्रतीक्षा सूची में जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्तक्षेप के कारण जो है नियुक्ति के मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न होती है। इस बाधा को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे भाई, आज बहुत खुशी का दिन है और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, आप लोगों को ये बताने आया हूँ। मेरे भाई, तदर्थ शिक्षकों की जहाँ तक बात है उसके बारे में जानकारी दे दूँ कि तदर्थ शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 का एक्ट जो है उसकी धारा 16E11 के तहत जिन जिन लोगों ने आवेदन किया है, उन्हीं लोगों के आवेदन तदर्थ शिक्षकों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उन्हीं को 30 नंबरों का भारांक मिलेगा। बाकी सारे तदर्थ शिक्षक जो है वो फ्रेशर में गिने जाएंगे और जो है उनके पदों को जो है वो उनके पद जो है नहीं जुड़ेंगे। तो मेरे भाई, इस समय प्रवक्ता में 2 और TGT में 10 पद जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 की धारा 16E11 के तहत जो है तदर्थ शिक्षक जो आए हैं वो लगभग 10 हैं TGT में और 2 प्रवक्ता में। इन्हीं लोगों की सीटों को जोड़ा जा रहा है। बाकी जो तदर्थ शिक्षक 1300 लगभग थे, उनको फ्रेशर के रूप में रहेंगे, उनको कोई भारांक नहीं मिलेगा और वो जो है नए तरीके से हमारी आपकी तरह से जो है वो मैदान जंग में रहेंगे। अगर वो मेरिट में आएंगे तो उनका चयन होगा, अन्यथा वो बाहर जाएंगे। तो मेरे भाई, आज खुशी का दिन है, आज और कल इंतजार करते हैं। आज भी रिजल्ट आ सकता है, कल भी रिजल्ट आ सकता है, पूरी संभावना है कि जो है हमारी बेरोजगारी दूर होने जा रही है। मेरे भाई, इसके लिए जो है हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 12,603 बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने की कोशिश में जो है अपनी महती भूमिका निभाने का प्रयास किया है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज जो है हम लोग एक उम्मीद के साथ आज का दिन गुजारेंगे, एक उम्मीद के साथ रात भी गुजरेगी और कल भी एक उम्मीद के साथ दिन गुजरेगा और एक उम्मीद के साथ कल की रात गुजरेगी। आज की रात भी कत्ल की रात हो सकती है, कल की रात भी कत्ल की रात हो सकती है, तो हमको इन रातों को संभालना है, संभाल के अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हुए और दूसरे बेरोजगारों के बारे में सोचते हुए एक अहम फैसला भी करना है कि जिन भाइयों का प्रवक्ता में चयन हो जाए वो इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि नहीं, वो TGT में सत्यापन न करा के जो प्रतीक्षा सूची में हमारे चयनित भाई हैं उनको नौकरी देने का काम करेंगे। मेरे भाई, आप लोग जो है तैयार रहिए, आप लोगों के लिए अग्रिम बधाई। आप लोग नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, बेरोजगारी के कलंक से मुक्त होने जा रहे हैं, इसके लिए जो है ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को विक्की खान का जो है नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई।